हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। मैं बात करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 7a के बारे में, जो कि अपने ऑफिशियल लॉन्च डेट से पहले इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो लीकआउट हो गई है। जैसे कि फ्रेंड्स, के अंदर में वायरलेस चार्जिंग, टेंसर G2 चिपसेट, 64 मेगापिक्सल का कैमरा एंड और भी काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ, तो फिर जो गूगल ब्रांड है उसे ऑफिशियली May 2023 में जो है वो लॉन्च करने वाली है। एंड अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें 6.1 इंच का हमें 90 हर्ट्ज़ की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही में हमें सैम टेंसर G2 चिपसेट, जो कि हमें पिक्सल 7 सीरीज में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर में LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी। साथ ही में हमें फास्ट USB 3.1 का स्टोरेज एंड फ्रेंड हमें 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें ड्यूल रियर कैमरा सेटअप जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का हमें सोनी IMX787 प्राइमरी सेंसर के साथ हमें 12 मेगापिक्सल का हमें सेकेंडरी सेंसर जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट में हमें 10.8 मेगापिक्सल का हमें कैमरा सेटअप, जो कि हमें पिक्सल 7 के अदर मॉडल्स में देखने को मिलता है, वही देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, ये हमें एंड्रॉइड 13 के साथ एंड इसके अंदर में 5 वॉट का हमें वायरलेस चार्जिंग भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें पंच और स्क्रीन के साथ हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप स्टाइल कैमरा आइसलैंड, जो कि हमें इसके रियर पैनल पे अपर साइड में देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स के अंदर में पिक्सल 7 एंड पिक्सल 7 प्लस इस तरह से हमें मॉडल्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस मोबाइल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है रिवेल हुई थी। फ्रेंड, और अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अब लिख नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू टेक वीडियो या फिर टेक अपडेट्स के बारे में जानना हो, तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।